रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजारों में खूब रौनक है और लोग रंगों व पिचकारियों की खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 2 वर्षों में होली बेरंग रही, लेकिन इस बार होली मनाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हमारे चंबा संवाददाता विकास ठाकुर ने होली को लेकर लोगों से बातचीत की। त्योहार को लेकर चंबा के बाजार सज चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी इस समय हम मौजूद हैं चंबा जिला के मुख्य बाजार में, जहां रंगों की दुकानों पर खूब भीड़ जमा है। इस बार यहां बच्चों को आकर्षित करने के लिए कई आकर्षक पिचकारियां यहां मौजूद हैं और बच्चे इसकी खूब खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद इस बार लोग खुलकर रंगों के त्यौहार होली को मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और बाजार में खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो यहाँ खरीदारी करने पहुँचे हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हें इस बार होली को लेकर किस तरह का उत्साह है। हम होली के लिए पिचकारी खरीदने आए हुए हैं बच्चों के लिए। कोरोना की वजह से 2-3 साल हमने ये त्यौहार नहीं मनाया है और इस बार हम अपने बच्चों के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। पिचकारी वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं। किस तरह की पिचकारियाँ आपने देखी हैं? यहाँ महंगी से महंगी और सस्ती सस्ती सब प्रकार की पिचकारियाँ मिलती हैं यहाँ पे। तो किस तरह के रंग आप प्रयोग करना चाहते हैं? हम हर्बल कलर के कलर प्रयोग करना चाहते हैं, सूखे कलर करना चाहते हैं प्रयोग, पानी वाली नहीं करना चाहते हैं। हम अभी इतने सालों के बाद कोरोना लगा हुआ था, 2-3 साल तो कुछ कर नहीं सके, तो अब थोड़ा कोरोना भी कम हुआ है। अभी हम भी इसी कोरोना काल समाप्त होने के कगार पर है, तो अभी थोड़ा सा मार्केट खुला है रंगों का त्यौहार के, उसमें तो हम रंग पिचकारी लेने यहाँ आए हुए हैं, रंग लेने आए हैं बच्चों को, मतलब उस मजा लें बच्चे जो भी है तो इस त्यौहार का। इस बार लोग काफ़ी संख्या में बाजारों में पहुंच रहे हैं और गुलाल सहित बच्चों के लिए पिचकारियों की खरीद भी कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि कोरोना कम होने के बाद इस बार पहली बार जो है होली का त्यौहार वह धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। DD News के लिए चंबा से विकास ठाकुर।